जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 13वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ओवेस शेख का कमेंट, भाई एक्स मुस्लिम बनने पे कितने पैसे मिलते हैं आपको? अगर सच्ची इंसानियत है तो बताओ ना फिर भाई। शेख मियां, आपने मोहल्ले या मस्जिद में जाकर कहिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तब आपको जितने पैसे मिलेंगे मुझे भी उतने मिलते हैं। गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनने पर पैसे मिलते होंगे, एक्स मुस्लिम बनने पर बद्दुआएं, गालियां और धमकियां मिलती हैं। बंदा सामने हो तो मौत भी मिल सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अब नेक्स्ट कमेंट भी सुन लेना। फैजान एसके का कमेंट, नामर्द फेस दिखा के वीडियो बना ना, दम है तो फट्टू। फैजान मियाँ, जो एक्स मुस्लिम फेस दिखाकर वीडियो बनाते हैं वो क्या मर्द नहीं है? या आपको उनके फेस पसंद नहीं आए? अच्छा चलिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही देखते हैं कि मर्द कैसे होते हैं। वाह, क्या अदा के जलवे तेरे पारो। फैजान मियाँ, जिस अदा से आपने फोटो खिंचवाई है ये अदा मर्द वाली नहीं लगती, ये अदा डाउटफुल लगती है। वीडियो का टाइटल है वेट फॉर जॉनी सिंस। ओ भाई मुझे माफ़ करो, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ, मुझे चेहरा नहीं दिखाना, आप जॉनी सिंस का ही वेट करो। मेरे हर वीडियो पे दर्जनों मोमिन मुझे फेस दिखाने को कहते हैं। आइए आज कुछ ऐसे कमेंट पढ़ते हैं। जावेद सलीम का कमेंट, वो सब तो ठीक है, आप शक्ल क्यों छिपा रहे हैं? मोमिन इकबाल, एक्सपोज योर फेस टू नूर। अगर इस्लाम छोड़ दिया है तो अपना फेस क्यों नहीं दिखाता, क्यों डर लगता है? तुम जैसे कायर डरपोक छिपकर ही वीडियो बनाते हैं। मुमताज़ खान अपनी फैमिली ज़ुबान मतलब कि गाली के साथ लिखते हैं, अपना चेहरा तो दिखा, तुमको गलत बोलने का पैसा मिलता है। सिद्दीकी आयान दानिश, तू फेस रिवील कर दे, डर क्यों रहा है? सैयद इसाक, तुम किसी से ना डरते तो चेहरा दिखाओ तुम्हारा है। इस्लाम आलिम क्लिप, अरे भाई अगर तुम्हारे माँ का दूध पिया है तो फेस टू फेस वीडियो बनाओ, तब पता चलेगा, समझे? गुलफशा, इंटरनेट का ज़माना है, कोने में छिपकर चेहरा छुपाकर जो बकना है बक दो, जितनी साजिशें करनी हैं कर लो, आखिर में तेरा ठिकाना जहन्नुम है। समीर रॉयल, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। दूसरा कमेंट, जब तू इतना ही जानता है तो फेस क्यों नहीं दिखाता है? गुलाम ख्वाजा, अगर तू सच में एक बाप का बेटा है तो अपना फेस रिवील कर, मान जाएंगे कि तू एक माँ बाप का बेटा है। जफर जाहिल डफर, मोमिन भाइयों, जब से ही मैंने चैनल बनाया है तब से हज़ारों मोमिन मुझे चेहरा दिखाने को बोलते हैं। अब तो एक्स मुस्लिमों के कई चैनल हैं जो चेहरा भी दिखाते हैं, लेकिन आपको चेहरे से क्या मतलब है? अल्लाह का चेहरा नहीं है, नबी का चेहरा बनाना गुनाह है, जिन शैतान फरिश्ते किसी ने नहीं देखे, कब्र का अजाब, जन्नत जहन्नुम किसी ने देखे नहीं, फिर भी यकीन करते हो? मेरा चेहरा क्यों देखना है? मैं वीडियो में जो बताता हूँ आप उसे वेरीफाई कीजिए, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो रेफरेंस के साथ मुझे गलत साबित कीजिए। दरअसल मुझे भी पता है कि आपको चेहरे से मतलब नहीं है, मेरे सिर से मतलब है। आपको लगता है मेरा सिर जन्नत जाने का टिकट है? ओ भाई कोई जन्नत नहीं है, और जन्नत के चक्कर में ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनाइए। मोमिन भाइयों, मेरे चैनल पे हज़ारों मोमिन मुझे बद्दुआएं, गालियां और धमकियां देते हैं। मैं कमेंट रिप्लाई की सीरीज़ में गालियों और धमकियों का कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे मोमिनों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है। इस्लाम की वजह से आप गालियां और धमकियां देते हैं। मैं बदला नहीं, बदलाव चाहता हूँ। मैं आपको बुरा साबित नहीं करना चाहता, मैं आपको बेहतर बनाना चाहता हूँ। बुरी आइडियोलॉजी ही लोगों को बुरा बनाती है, और इसी वजह से बुरी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। आप मुझे गाली और धमकियाँ देते रहिए, मैं आपको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अपने इस मकसद के लिए ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, और इसी वजह से चेहरा छुपाने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से नहीं डरता, क्योंकि वो तो है ही नहीं। मैं अल्लाह के बंदों से डरता हूँ, क्योंकि वो हैं, और उनमें से हज़ारों मेरे जानी दुश्मन भी हैं। मेरे चैनल पे दो मुमताज़ खान हैं, एक मोमिन है और एक मोमिना है। मोमिन गाली के साथ कमेंट लिखता है, और मोमिना के जेन्युइन कमेंट होते हैं, तो ये कमेंट मोमिना का है। मैंने बहुत आपको सुना है, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, उसका सही यूज़ करना चाहिए। दूसरा कमेंट, आप जैसे लोग इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मुमताज़ खान जी, अगर मैं इस्लाम को बढ़ा रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सना खान का कमेंट,
परेशान लोगों का माइंड जल्दी डाइवर्ट होगा। इसकी वीडियो देखकर अच्छे अच्छे ईमान वालों का यकीन अल्लाह से हटने लगेगा। इनफैक्ट परेशान लोग ही एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। सना खान जी, आपने बताकर मेहरबानी की कि मेरे वीडियो देखकर ईमान कमज़ोर हो जाता है। नहीं तो कोई मोमिन लिखता है कि मेरा वीडियो देखकर तो उनका ईमान मजबूत हो गया। वो मुझे थैंक्स नहीं बोलते, बल्कि दूसरे कमेंट में गाली देने लग जाते हैं। सना खान जी, परेशान लोग एक्स मुस्लिम नहीं बनते, सोचने समझने वाले इंसान एक्स मुस्लिम बनते हैं। फिर भी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू राज जी ने अपनी फैमिली ज़ुबान में लिखा है, अगर नबी गलत हैं तो बेटा बुक किसने भेजा, तेरे बाप ने। आरजू राज जी, दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, वो किसने भेजी, क्या आपके अल्लाह ने? सब किताबें इंसान ही लिखते हैं, कोई किताब आसमान से नहीं आती। उमर 786 शेख 786 अली का कमेंट, अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि दुनिया गोल है, इसको झुठला। उमर भाई, कुरान की किस आयत में लिखा है कि दुनिया गोल है? कुरान में तो अल्लाह धरती को फर्श और बिस्तर कह रहा है, बार बार ज़मीन को फैलाने या बिछाने की भी बातें कर रहा है। अल्लाह ने कब बताया कि धरती गोल है? ये काम तो जोकर नलायक ने किया है। कुरान सूरा 79 आयत 30 Quran.com की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, दैट आफ्टर एंड द अर्थ ही स्प्रेड इट, और उसके बाद धरती को फैला दिया। इस आयत की आप कहीं भी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, यही ट्रांसलेशन होती है। लेकिन जोकर नलायक ने इस आयत के लफ्ज़ दहाहा को शुतुरमुर्ग का अंडा बना दिया। असल में दहाहा वर्ड से मिलता जुलता अरबी का एक और वर्ड है, जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का घोंसला। अंडा नहीं, उस वर्ड का मतलब भी फैला नहीं होता है। शुतुरमुर्ग को जब अंडे देने होते हैं तो वो मिट्टी को फैलाकर घोंसला बनाता है, इसलिए उस वर्ड का इस्तेमाल होता है। इस पिक्चर में शुतुरमुर्ग का घोंसला देख सकते हैं। जोकर नलायक ने घोंसले को अंडा बना दिया। वैसे भी अगर कुरान में धरती को गोल लिखा होता तो सीधे ही गोल लिख दिया होता, अंडा भी लिखना होता तो अंडे जैसा लिखा होता। शुतुरमुर्ग का अंडा क्यों लिखा? वैसे भी धरती शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी नहीं है। ये पिक्चर 1972 में धरती से 29,000 किलोमीटर दूर से ली गई थी, और ये पिक्चर 2015 में ली गई। क्या इनमें से कोई सी भी शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी है? भाई, शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट बनाकर खा लो, वो धरती जैसा नहीं है, वो सिर्फ अंडा है। जावेद छलांगा का कमेंट, यहोवा अल्लाह गॉड सब एक ही हैं, सिर्फ अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा में बोला जाता है, डफर। जावेद मियाँ, एक इंसान के अगर 100 नाम भी हों तो उसका करैक्टर, उसका बिहेवियर, उसके विचार नहीं बदलते। यहोवा अल्लाह गॉड ईश्वर, इन सब का किरदार, करैक्टर, बिहेवियर, विचार सब अलग है। ये कैसे हुए? इस्लाम से पहले मक्का के लोग सदियों से अल्लाह को मान रहे थे। उनके अल्लाह और नबी के अल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मक्का वालों के अल्लाह को मूर्ति पूजा पसंद थी, लेकिन नबी का अल्लाह मूर्ति पूजकों का दुश्मन बन गया। मक्का के अल्लाह और नबी के अल्लाह में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहोवा और गॉड की बात तो छोड़ ही दीजिए, दूसरी भाषा में नाम बदल जाते हैं तो आप हिंदी में अल्लाह को ईश्वर या भगवान क्यों नहीं बोलते? दुनिया भर के मुस्लिम दर्जनों ज़बान बोलते हैं, लेकिन अल्लाह को अल्लाह ही बोलेंगे। मोमिनों का फेवरेट नारा भी है, नॉट गॉड बट अल्लाह, मतलब कि गॉड नहीं लेकिन अल्लाह है। जावेद मियाँ, आपका अल्लाह सिर्फ मुस्लिमों का पर्सनल अल्लाह है, आपका अल्लाह दूसरों जैसा नहीं है। सैयद तनवीर का कमेंट, अबे जाहिल जफर हेरेटिक, अबे रोज़े का मतलब भूखे रहना नहीं, अबे जाहिल, अल्लाह ने रोज़े का हुक्म इसलिए दिया है ताकि किसी और की भूख क्या होती है हमें पता चले। रोज़े का मतलब भूखा नहीं है, रोज़े का मतलब है भूख। सैयद मियाँ, भूखे रहने की वजह बता दी, प्यासे रहने की क्या वजह है? दुनिया में ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसे भूखे की भूख ना पता हो। जिस इंसान को भूखे की भूख भी ना पता हो उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया में हर साल सिर्फ मोमिनों को ही एहसास दिलाना पड़ता है कि भूखे की भूख क्या होती है, बाकी दुनिया तो जानती है। और आप ये बताएं कि रमज़ान के बाद कितने मुस्लिम भूखों को खाना खिलाते हैं, कितनी मस्जिदों में भूखों को खाना खिलाया जाता है। मैं भी मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुस्लिम मोहल्ले में भी रहता हूँ, मुझे पता है, सगा भाई भी नहीं देखता कि भाई का परिवार भूखा है। सिख रोज़े नहीं रखते, फिर भी हज़ारों गुरुद्वारों में हर रोज़ भूखों को खाना खिलाया जाता है, वो भी बिना उनका मज़हब जाने। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब कुदरती आफत आती है तो भूखों को खाना खिलाने सिख संगठन सबसे पहले आगे आते हैं, मुस्लिम नहीं जाते।
मोमिनों को अगर गरीबों की या भूखों की फिक्र होती तो देश का हर चौथा भिखारी मुस्लिम नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिए। दरअसल अल्लाह और जहन्नुम के खौफ से और जन्नत के लालच में ही रोजे रखे जाते हैं, बाकी की सब फालतू बात है। ज़रूरतमंदों की मदद करना इंसानी फितरत है, इसका रिलीजन से रिश्ता नहीं होता। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बिल गेट्स और वॉरेन बफे का नाम है। बिल गेट्स ने अपनी 99% दौलत दान करने का फैसला किया है और वॉरेन बफे ने 50%, और अब तक ये दोनों हजारों करोड़ रुपए समाज सेवा में दान दे चुके हैं। और ये दोनों ही नास्तिक हैं। अरब देशों के बादशाह और शेख, जो कि अपने महलों में टॉयलेट सीट भी सोने की बनाते हैं, वो कितना दान करते हैं। दुनिया की छोड़िए, गरीब इस्लामी देशों में उन्होंने कितने स्कूल कॉलेज या अस्पताल बनाए, कितने जरूरतमंदों की मदद की। किसी इस्लामी देश में जब सिविल वॉर होता है तो मुस्लिम शरणार्थियों को काफिर देश ही पना देते हैं, अरब देश नहीं। हुजैफा कटारिया के दो कमेंट। ते क्या साइंस साइंस लगा रखा है, तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? मोमिनों का साइंस से यही रिश्ता है, मतलब जिसे पागल कुत्ते ने काटा हो वही साइंस की बात कर सकता है। और ये लोग कहते हैं कि कुरान में साइंस भी है। वॉइस ऑफ गुफ्तार का कमेंट। जिस चीज को तुम तालीम कहते हो वो जहालत है, जिसको हिदायत कहते हो वो गुमराही है, काफिरों की बातें मानना गुमराही है, इस पर फिक्र करना नादानी है। अब देखिए ये हाल है इनका, ये तालीम को भी जहालत बोलते हैं। इनके हिसाब से सिर्फ मौलवियों की बातें सुननी चाहिए, बाकी सब जहालत है। अजर रीड्स का कमेंट। इल्म ही इंसान को घमंडी बनाता है और घमंडी हुए तो मुर्तिद होना पक्का है। अब देखिए, जिन लोगों को इल्म यानी नॉलेज से भी प्रॉब्लम है उनका भला कैसे हो सकता है। अबूजर का कमेंट। गरीब से दुश्मनी नहीं है अल्लाह को, जो इस दुनिया का गरीब है आखिरत में वो अमीर होंगे। अल्लाह जिसे प्यार करता है उसे थोड़ी दुख देता है, और जन्नत में गरीब ही ज्यादा होंगे, अमीर लोग बहुत कम होंगे। हद कर दी इन लोगों ने, तालीम जहालत है, इल्म से ईमान चला जाता है और गरीब को जन्नत मिलती है। मतलब पढ़ाई लिखाई ना करो और तरक्की भी मत करो। मौलवी ने मोमिनों की तरक्की में गड्ढे नहीं कुएं खोदे हुए हैं, कुएं के मेंढक बनाया हुआ है। शुक्र है कि बहुत सारे मुस्लिम मौलवियों की बात को नहीं मानते। मोमिन आईडी का नाम कुछ भी रख लें, बातें फनी ही लिखते हैं। एथीस नाम की एक आईडी से एक मोमिन का कमेंट। मैं इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करूंगा। उसी वक्त दूसरा कमेंट, मैं इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया। तीसरा कमेंट, मैं न्यू मुस्लिम हूँ। बंदे ने कमेंट लिखते लिखते सिर्फ एक मिनट में इस्लाम कबूल कर लिया, है ना कमाल। आइए अब इसका एक साल पुराना कमेंट देखते हैं। इस्लाम एक सच्चा मजहब है और इंसानियत सिखाता। एक और मोमिन का झूठ देखिए। 7 दिन पहले गेमिंग का कमेंट। थैंक यू जफर हेरेटिक मेरी आंख खोलने के लिए, मैं आज ही इस्लाम में कन्वर्ट करूंगा। 2 महीने पहले गेमिंग का कमेंट। 7 सवाल 7 बार देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और बढ़ गया। मुस्लिम थे, मुस्लिम हूं, मुस्लिम रहूंगा इंशाल्लाह। कितना झूठ बोलते हो यार, मैं रेफरेंस दिखाकर वीडियो बनाता हूं तो मुझे झूठा कहते हो। खैर, इस्लाम में झूठ बोलना हराम नहीं है, अल तकैया हलाल है, अल तकैया करते रहिए। गॉड इज वन का कमेंट। भाई बैकग्राउंड चेक कर लो, फेक स्टोरी ना दिखाओ, हमें पता है तुम इल्यूमिनाटी के मेंबर हो, तुम्हारी जॉब फेक स्टोरी दिखाना है, तुम एक्चुअली आरएसएस के मेंबर हो, अपने चैनल का नाम बदलो। तो मोमिन भाई, जो भी आपका नाम है, पहली बात, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो स्क्रीन पर रेफरेंस भी देता हूं, बैकग्राउंड आप चेक किया करो। दूसरी बात, मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूं या आरएसएस का मेंबर हूं, ये फाइनल सोच लो, क्योंकि ज्यादातर मोमिन मुझे यहूदी एजेंट बोलते हैं। तीसरी बात, मैं एक्स मुस्लिम हूं तो चैनल का नाम भी एक्स मुस्लिम है। अगर मैं सिर्फ मुस्लिम लिखा होता तो आप बदलने को कह सकते थे। और हाँ, आपकी आईडी का नाम गलत है। मुस्लिमों का फेमस नारा है नॉट गॉड बट अल्लाह। गूगल में जाकर इस नारे का बैकग्राउंड चेक कर लो। नफीम नईम का कमेंट। आई डोंट लाइक टू हियर नॉनसेंस एनी मोर। नईम भाई, मैंने आपको कब कहा कि मेरी नॉनसेंस सुनो? मत सुनो भाई, मैं आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगाकर जबरदस्ती तो सुना नहीं रहा। आपने ही खुद यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करके मेरे वीडियो देखे हैं।
फिर कहते हैं नॉनसेंस नहीं सुननी। यूट्यूब पे हजारों मुस्लिम चैनल हैं, उनको देखिए, जोकर नलायक, मौलाना मसूद को सुनिए, खासकर तारिक जलील को सुनिए, वो आपको जन्नत का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। फिर आप भी 130 फीट लंबी हूरों के रंगीन ख्वाब देख सकते हैं। मुझे आपका कमेंट पढ़कर एक बंदे की याद आ गई, वो अपने हाथों से अपना गला दबा रहा था और बचाओ बचाओ भी चिल्ला रहा था, सुहेल सिद्दीक का कमेंट। भाई आपने कहा कि कुरान की ट्रांसलेशन करके समझिए, लेकिन अरब देशों को अरबी लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं, वो इस्लाम क्यों नहीं छोड़ते हैं? सुहेल भाई आपने बहुत ही सही सवाल किया है, अब मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, किस अरब देश में इस्लाम छोड़ने की इजाज़त है? किस अरब देश में इस्लाम पे शक या सवाल करने की इजाज़त है? 2013 में एक सर्वे हुआ था, सऊदी अरब में 6% मुस्लिम नास्तिक थे, 19% नॉन रिलीजियस थे, पिछले 10 सालों में ये गिनती डबल हो गई होगी। सब अरब देशों का यही हाल है, लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन इस्लामी हुकूमत में कोई बात ही नहीं कर सकता। हर देश में ब्लास्फेमी लॉ है, इस्लामिक देशों से ब्लास्फेमी लॉ हट जाए, भारत जैसे देशों में एक्स मुस्लिमों पर फतवे जारी ना हों, सामाजिक बायकॉट ना हो, तो इस्लाम आधा रह जाएगा। ईरान में सिर्फ 30% लोग ही इस्लाम को सही से फॉलो करते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो नंबर ऑफ एक्स मुस्लिम ज़रूर देखिए। इस्लाम की तरह हर रिलीजन में ब्लाइंड फेथ होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अच्छी आइडियोलॉजी भी होती हैं। लोग नास्तिक भी हो जाएं तो अच्छी आइडियोलॉजी से जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को एक्स हिंदू या एक्स क्रिश्चियन नहीं कहते। इस्लाम में सिर्फ ब्लाइंड फेथ है, अच्छी आइडियोलॉजी है ही नहीं, इसी वजह से लोग एक्स मुस्लिम होते हैं। ये एक मौलाना है, हुलिया देखकर लगता है कि किसी मदरसे में पढ़ाता होगा, कमेंट पढ़कर पता चलता है कि ये क्या पढ़ाता होगा। मेरे हर वीडियो पे लंबे लंबे कमेंट करता है, किसी कमेंट में रिप्लाई देने लायक बात ही नहीं होती, लेकिन ये लिखता है कि जफर में मुझे रिप्लाई देने की हिम्मत नहीं है। कभी ये मेरा मोबाइल नंबर मांगता है, कभी लिखता है फेस टू फेस डिबेट कर, कभी लिखता है अपनी माँ से पूछ तेरे कितने बाप हैं। भाई मुझे गाली देना तो दीनी फर्ज है, तो ये दीनी फर्ज भी अदा करता है। एक कमेंट में लिखता है कि जफर का नाम देव है, दूसरे में शंकर, तीसरे में महादेव, चौथे में लिखता है कि जफर का नाम कोई और है, हर कमेंट में मेरा नाम बदल देता है। कभी मुझे RSS का एजेंट लिखता है, एक कमेंट में लिखता है कि जफर इजाज का मेंबर है, पता नहीं इजाज क्या है जिसका मैं मेंबर हूं। तो मौलाना भाई, एक्स मुस्लिम के 10-12 चैनल हैं जिन पे डिबेट होती है, अगर आपको डिबेट करने की इतनी खुजली है तो वहां आपकी खुजली का इलाज हो जाएगा। उनके पास जालिम लोशन है, दर्द देगा लेकिन इलाज हो जाएगा। मौलाना बकलोली करने से अच्छा है मेरे वीडियो को गलत साबित करो, बकलोली तो हजारों करते हैं, बकलोली का क्या रिप्लाई दूं? मेरे जैसे लोग मुस्लिम कौम का भला चाहते हैं, लेकिन आपके जैसे मौलाना ही कौम के दुश्मन हैं, आप रिप्लाई के लायक नहीं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं इस दिलचस्प सीरीज के अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, इंसानियत हाफिज़।